नागिन 6 में हुआ अस बड़ा धमाका जब महाशेष नागिन प्रार्थना के सामने आए मिकनेरी का रस कि असलियत में वो बहुत ही ज़्यादा बुरी नागिन है। उसके साथ ही हमें देखने को मिली जो लड्डू है वो बन गई है जहरीली नागिन और वो बहुत ही जल्द मरने वाली है। उसके साथ ही हमें देखने को मिला जो रघुवीर है उसको लगता है कि प्रार्थना बहुत ही ज़्यादा बुरी है क्योंकि रघुवीर ने देखा था कि प्रार्थना बहुत सारे नागिनों को मार रही है। प्रार्थना और रघुवीर लेने वाली है अर्ध नरेश्वर का रूप। हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके फेवरेट शो और कलर्स टीवी के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शो नागिन 6 के आज के धमाकेदार एपिसोड में क्या कुछ खास देखने को मिला। तो अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नागिन 6 के आज के धमाकेदार एपिसोड की शुरुआत में हमको देखने को मिला जो नकली प्रार्थना है यानी जो नकली नागिन है वो जाकर रघुवीर की जो ज्वेलरी शॉप है वहाँ पर आतंक मचाती है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है जो वो नागिन है वो बहुत सारे नागिनों को लाती है और सबको मारने लगती है और रघुवीर को ऐसा दिखाती है कि वो असलियत में प्रार्थना है और बहुत ही ज़्यादा वो बुरी है। उसके बाद हमें देखने को मिला जो रघुवीर है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है प्रार्थना से। उसके बाद हमें देखने को मिला जो रघुवीर है वो असली प्रार्थना को बोलती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा बुरी हो, लेकिन प्रार्थना बोलती है मैं वो नहीं थी, वो कोई दूसरी ही नागिन थी। उसके बाद हमें देखने को मिला जो नकली प्रार्थना है और मिकनेरी दोनों मिलकर जो लड्डू है उसको दस देती है और उसको नागिन बना देती है और उसको हुक्म देती है कि तुम जाओ और पूर्विका को लेकर आ जाओ। उसके बाद हमें देखने को मिलता है मंदिर में पूजा हो रही होती है और प्रार्थना को पता चल जाती है कि उसकी दूसरी बेटी भी जिंदा है क्योंकि जो पंडित जी है वो बोलते हैं कि तुम्हारी दोनों बेटी सलामत है। तो प्रार्थना को ये मालूम तो हो गया है कि उसकी दूसरी बेटी भी जिंदा है। उसके बाद हमें देखने को मिला जो लड्डू है वो पहुंच जाती है घर और वो पूर्विका को किडनैप करके ले जाती है, लेकिन प्रार्थना को पता चल जाती है और वो पीछे पीछे जाती है और वो देखकर शॉक्ड हो जाती है कि लड्डू नागिन बन गई है। उसके बाद हमें देखने को मिला जो लड्डू है वो प्रार्थना पर वार करती है और प्रार्थना बेहोश होकर गिर जाती है। उसके बाद हमें देखने को मिला जो नकली प्रार्थना है और वो मिकनेरी है दोनों मिलकर ये बात कर रहे हैं कि कुछ तो वो बड़ा करने वाली है। उसके बाद हमें देखने को मिला जो लड्डू है वो भी वहाँ पर पहुँच जाती है और बोलती है कि मैं ले आई हूँ पूर्विका को। उसके बाद हमें देखने को मिला जो प्रार्थना और पूर्विका के पास, लेकिन हमें दिखाया जाता है असलियत में वो लड्डू नहीं वो प्रार्थना है और प्रार्थना को पता चल जाती है कि मिकनेरी ही बहुत ही ज़्यादा बुरी दुश्मन है और मिकनेरी बोलती है कि उसको सारा नाकलोक चाहिए था इसलिए उसने ऐसा खेल रसा और उसको रघुवीर बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो पूर्विका के साथ कुछ तो बड़ा करने वाली है। तो नागिन 6 के आज के धमाकेदार एपिसोड में बहुत सारे नई नए रास्ते खुलासा हुआ। आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा प्रार्थना और रघुवीर लेने वाली है अर्ध नरेश्वर का अवतार। तो कहानी काफ़ी ज़रा इंटरेस्टिंग मोड ले चुका है नागिन 6 का। तो क्या देखा आपने नागिन 6 का आज का धमाकेदार एपिसोड और आने वाले एपिसोड को देखने के लिए आप कितना ज़रा एक्साइटेड है कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। अगर वीडियो देखने में अच्छा लगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही नए अपडेट्स के लिए। तो देखते रहिए एंटरटेनमेंट की बात जहाँ पर हम देते हैं एंटरटेनमेंट से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले।